गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी 2021। आज का ये वीडियो, बहुत से लोगों ने मेरे से ये कहा कि मैम आप हमें एक स्ट्रैटेजी बताइए कि हम आखिरकार यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए तैयारी करें तो करें कैसे। ठीक है, आप लोगों की तैयारी में कुछ पार्ट मेरा हो सकता है, मगर तैयारी तो आपको करनी है। आज जो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, हो सकता है बहुत से लोग इससे इत्तेफाक ना रखें, तो कोई बात नहीं। और देखिए, अगर आपको एक अच्छी प्रेस्टीजियस जॉब पानी है और सिर्फ यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी से अगर आप और स्टेट्स के एग्जाम भी निकाल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस स्ट्रैटेजी को जानने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सभी लोगों को सबसे पहले मैं कुछ मिथ्स बताती हूँ। कुछ मिथ्स ये है कि यूपी टीजीटी में केवल 4 राइटर्स हैं, तो हमको केवल 4 राइटर्स की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक है हमारा लिटरेचर का पार्ट, हम पहले यूपी टीजीटी की बात कर रहे हैं, एक है हमारा लिटरेचर का पार्ट और दूसरा है हमारा ग्रामर का पार्ट। देखिए, लिटरेचर के पार्ट को कैसे प्रिपेयर करें और ग्रामर के पार्ट को कैसे प्रिपेयर करें, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहली चीज सुनिए, आप लोगों को ग्रामर का पार्ट अगर तैयार करना है ढंग से, तो जिस तरीके के क्वेश्चंस पिछली बार आए थे आप उनको सामने रखिए। पिछले साल यानी कि 2019 में जो पेपर हुआ था 16 वाला, वो और चीजों के पैटर्न, उसका पैटर्न और अभी तक के जितने पेपर्स आए थे उनसे डिफरेंट था। उसमें रूल बेस्ड क्वेश्चंस थे। आप लोगों को ग्रामर जो पढ़नी है वो रूल बेस्ड पढ़नी है। अब इस रूल बेस्ड का क्या मतलब है, सबसे पहले तो आप कोई भी जो किताब ला रहे हैं, एक रखिए बेसिक की किताब, एक बेसिक किताब रखिए। बेसिक किताब में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप इसमें से कोई भी अपनी कोई भी बेसिक ग्रामर की किताब जो है वो खरीद लीजिए। बेसिक ग्रामर की किताब में मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आप एस पी बख्शी ले लीजिए अरिहंत की, और या आप इसके अलावा अगर आप हिंदी के उससे अपने उसको करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जो है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट जो है वो आप बुक ले सकते हैं, प्लिंथ टू पैरामाउंट। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई इस किताब को, मैं देखिए इस किताब को केवल आपको इसलिए बता रही हूँ प्लिंथ टू पैरामाउंट के बारे में, मेरा मकसद किसी किताब को बिकवाना या वो नहीं है, ना मुझे कोई कमीशन मिलता है ना कुछ है। ये कुछ बेसिक किताबें हैं। एस पी बख्शी कम्प्लीटली इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, ये समझने में मदद करती है। लेकिन अगर आप ये सोचें रूल बेस्ड, तो भैया रूल ना तो इसमें मिलने के ना इसमें मिलने के। इसमें इंग्लिश का इस एस पी बख्शी को आपको हेल्प इसलिए मिलेगी क्योंकि उसमें पंचुएशन की एक्सरसाइज दी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो और किसी किताबों में नहीं मिलता। एक मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ये किताबें जो होती हैं ना, ये एसएससी के लिए होती हैं। अब बैंक के, इनका लेवल बैंक का भी नहीं है, एसएससी के लिए ऑब्वियसली ये किताब एसएससी के लिए, बैंक का कुछ हद तक, और इसके अलावा जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बेस्ट किताब होती है। लेकिन इस किताब और इनमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन या ये सब नहीं मिलता, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी में एक मस्ट है कि आएगा ही आएगा। तो आप इसे रखिए बेस के लिए, वोकैब के लिए, इसको भी आप पढ़ेंगे अपना एस पी बख्शी की किताब को, वोकैब के लिए या किसी चीज़ के लिए आप रख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में अगर कोई हिंदी की और इंग्लिश की जो भी किताब है जो आपको पसंद हो, मैं नहीं कह रही आप 10-12 किताब खरीदिए, आप कोई सी भी किताब खरीदिए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक खरीदिए जिनमें गलतियां ना हो। मैं अपने हिसाब से ये 2 किताब बताई हैं जिनमें एरर्स नहीं है, जो अच्छी किताबें हैं। अब आप कहेंगे रूल बेस्ड कहाँ से पढ़ें, तो देखिए जी, रूल बेस्ड के लिए आपको कहीं पर रेडीमेड रूल बेस्ड बुक कहीं नहीं मिलेगी कि जिसमें यह है कि जैसे क्वेश्चन आए थे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अनलेस आपका हाथ ग्रामर पे बहुत बढ़िया नहीं है, ऐसी रेडीमेड किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इनके लिए ये 2 किताबें बहुत बढ़िया है, इससे आपकी वोकैब भी तैयार होगी, और हिंदी मीडियम से आप अपना बेस तैयार करेंगे, इंग्लिश मीडियम से आपको वोकैब और रूल्स को समझने में आसानी रहेगी। आप सोचें कि इसमें वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे रूल बेस, तो वो कहीं नहीं मिलते रेडीमेड, और ऐसी कोई किताब ही नहीं है जिसमें रूल बेस इस तरीके के क्वेश्चन हो, वो भी बनाने वाले ने ऐसे क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है,
तो पहली बात तो हो गई ये ग्रामर के लिए। अब आपको क्या करना है कि इसमें अपना हाथ मजबूत करना, वो कैप पे आपको बहुत अच्छा अपना हाथ करना है। उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स करने होंगे जो इन दोनों किताबों में दे रखे हैं। एसटी बख्शी में बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप प्रैक्टिस सेट्स कर सकते हैं। ठीक है, सी पहले ए से पढ़े फिर बी से पढ़े, इससे बेहतर ये आप प्रैक्टिस सेट्स लगाइए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो हुआ ये पॉइंट नंबर वन, ये मैंने आपको बताया ग्रामर के लिए। अब चलिए बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही कह दिया ये किताब एसएससी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें और चीजें नहीं है, लेकिन आप बेस के लिए इसे रख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिटरेचर के लिए। चलिए अब यहाँ तक तो आ गया भाई, 50% ग्रामर है तो 50% लिटरेचर है, अभी हम सिर्फ टीजीटी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इसमें बात करें कि भाई लिटरेचर में हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि चार ही तो राइटर है, वो चार राइटर्स पढ़ लेंगे तो जो है वो हो जाएगा हमारा। ये एक सबसे बड़ा जो होता है ना, जिसे कहना चाहिए एक मिथ है कि विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, अब ये कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये चार राइटर्स पढ़ने में क्या जा रहा है, एंड जॉन गॉल्सवर्थी। अब हम अगर बात करें तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये जो ये चारों राइटर्स हैं ये अलग अलग एजेस को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इन्होंने कोल के यहाँ कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन लिटरेरी टर्म्स फिर भी आती हैं। आप ये मान के चलिएगा लिटरेरी टर्म्स जो होती हैं वो 10-15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो भैया ये इन चारों में से कौन से राइटर्स से आते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि भाई लिटरेरी टर्म्स और इन राइटर्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर इसको ये यहाँ से ये मिटा के पहले इसको जो है फिर आपसे इसके बारे में बात करती हूँ। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक किताब, अच्छी सी किताब लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। अब आप उससे पूछेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमको क्यों पढ़नी है, तो देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं तो आप ना केवल इसकी तैयारी करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, बल्कि आप इसके अलावा जिन एग्जाम्स में ये दे रखा होता है जैसे DSSS है, 18th century और राइटर्स, इसके अलावा जो और भी जो एग्जाम्स आते हैं KVS NVS जिनमें खोल के सिलेबस नहीं दिया जाता, वो भी आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से तैयार होगा। अब आप कहेंगे कि भाई कौन सी किताब पढ़े हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो मैं अगर आपसे मोटी मोटी किताबें कहूँ कि भाई डेविड डिचेस पढ़ लो, हडसन पढ़ लो, आप केवल नाम सुनोगे, एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल दोगे। तो मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल किताब बता रही हूँ, आप ना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए किसी भी इंडियन राइटर की किताब लो। मुझे एक किताब बहुत पसंद है, ये किताब है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, ये किताब है प्रमोद के नायर की। ये बहुत ही स्मूथ लैंग्वेज में लिखी हुई बहुत ही अच्छी किताब है, प्रमोद के नायर की किताब है। इसके अलावा आप सबने अपने एमए में या उसमें रघुकुल की तिलक की किताबें जरूर पढ़ी होंगी, तो ये आप रघुकुल तिलक की जो किताब है आप ये ले सकते हैं। आप इंडियन राइटर्स की ले लीजिए, भाई विलियम जे लॉन्ग है या वो है, सभी लोग आपको बताते हैं विलियम जे लॉन्ग की किताब जो है नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, लेकिन शुरुआत में उसकी लैंग्वेज को पकड़ने में जो जिसका इन चीज़ों से इतना नाता नहीं है उन्हें पकड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप पहले इंडियन राइटर्स की पढ़ लीजिए, या आप एक किताब है टी सिंह की, ये टी सिंह की किताब ना बिल्कुल ऐसी है जैसे क्वेश्चन आंसर मेथड में से, इनमें से सबसे अच्छी किताब मुझे तो ये वाली लगती है। आप इनमें से कोई सी भी एक किताब लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आप अपनी पढ़िए, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं या उसके नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इनमें से कोई सी भी किताब आप खरीद सकते हैं और उससे आप पढ़िएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अब आप कहेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। देखिए आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, कहीं पे भी ये क्वेश्चन नहीं है कि अगर मैंने आपसे पूछा कि अगर हमने ये यूनिवर्सिटी बिट्स का क्वेश्चन आता है
या ये हम यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है वॉर ऑफ रोजेस शेक्सपियर के कौन से प्ले में मेंशन किया गया है, तो ये ऑल दीज आर क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री एंड यू गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स ओनली व्हेन यू गो थ्रू हिस्ट्री। अगर आप राइटर को बिना हिस्ट्री के पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हो जैसे खाने में नमक नहीं है, तो वही चीज जो बेस्वाद हो जाती है, आधी अधूरी नॉलेज रह जाती है। तो ये मेरा तैयारी करवाने का तरीका है जब भी मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। इतने स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं बिना हिस्ट्री पढ़ाए राइटर स्टार्ट नहीं करती। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस समय भी अभी मैंने जब शेक्सपियर मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं उससे पहले पूरा एलिजाबेथन एज यानी कि एंग्लो सैक्सन एज से लेकर एलिजाबेथन एज तक पूरा पढ़ा के फिर शेक्सपियर पढ़ाती हूँ। अगर मिल्टन पढ़ाना है तो जैकोबियन एज पढ़ाई जाएगी, अगर आपको विलियम वर्ड्सवर्थ बताना है तो आपको रोमांटिक एज के बारे में बताना होगा तभी। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर किसने लिखी है, या ये क्वेश्चन कि चैपमैन ने सबसे पहले कौन से वर्क्स को ट्रांसलेट करा था, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो ये हिस्ट्री पढ़ना, आप 2010 का पेपर उठा के देखिए, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप इन तीनों में से कोई सी भी किताब ले सकते हैं, सबसे पहले अपना बेस मजबूत कीजिए हिस्ट्री के लिए। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके ये राइटर्स भी तैयार होंगे। चलिए पहली बात हो गई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़त करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज की। तो देखिए दूसरी चीज की बात करते हैं, तो इसमें अब हमारा ये हुआ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात हो गई। नाउ द नेक्स्ट टर्न कम्स टू राइटर्स। अब आप राइटर्स ले रहे हैं, आप जब भी एक एक राइटर तैयार कर रहे हैं, अगर आपने शेक्सपियर आपने पढ़ना शुरू करा है तो आप शेक्सपियर के, देखिए ऐसा ना कोई व्यक्ति नहीं होता जिसे शेक्सपियर के प्लेज का स्टोरी ना पता, नोबडी। अब आपको वो प्लेज बेसिकली बनाने वाला भी क्वेश्चन पेपर उस चीज में से बनाएगा, उन प्लेज में से बनाएगा, वो प्लेज जो कम पढ़े हुए हैं, कम पढ़ाए जाते हैं, जैसे हिस्ट्री प्लेज हैं या शेक्सपियर के करियर के शुरुआती प्लेज हैं जैसे टू नोबल किंग्समैन वगैरह। तो आपको हर प्लेज, जैसे शेक्सपियर के आप प्ले पढ़ रहे हैं तो उनके सोर्सेज आप जरूर याद करिए कि आप सोर्सेज क्या हैं उनके, जैसे क्वेश्चंस में सोर्सेज पूछे जाते हैं। हिस्ट्री प्लेज है तो हिस्ट्री प्लेज को आप तैयार कीजिए। देखिए आपको अगर ये लगता है कि शेक्सपियर के 4 या 7 प्लेज में से पूछ लिया जाता है तो ऐसा नहीं होता। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस उठा के देखें तो उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा प्ले जो है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को बताता है, कौन सा प्ले जो है वो फैड्स एंड फैशन ऑफ द डे को। तो अनलेस आपने इसके बारे में अच्छे से स्टडी नहीं कर रखा, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो आपको इसमें, अगर आप शेक्सपियर के प्लेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोर्सेज पढ़िए, उनके हिस्ट्री प्लेज पढ़िए। केवल ये मत सोचिए कि होकम पढ़ लिया यानी कि हैमलेट, ऑथेलो, किंगलियर और मैकबेथ पढ़ लिया तो जी हमारा शेक्सपियर तैयार हो गया। देखिए सबको पता है, लगातार कई सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबको पता है कि इनकी एक एक चीज रटी हुई होती है, तो बनाने वाले को भी पता है छांटना कैसे है। तो इसीलिए इनके सोर्सेस पढ़िए, हिस्ट्री प्लेस पढ़िए, और शेक्सपियर को पढ़ना है तो एलिजाबेथन एज को पूरा पढ़िए, ठीक है। अब यह हुआ विलियम शेक्सपियर के बारे में बात। ऐसे ही हर राइटर को तैयार करना है। अगर आप राइटर को तैयार कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास इनकी जरूर होनी चाहिए। चलिए जब भी जो भी राइटर आप तैयार कर रहे हैं उनकी एज के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इसी तरीके से सारे राइटर्स प्रिपेयर होंगे। अब जो जो जैसे आपने एक राइटर प्रिपेयर करा, आपने कोई सा भी राइटर प्रिपेयर करा, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब आप लोगों ने अधिकतर लोगों के मुंह से यह सुना होगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए क्या खरीद के लाते हैं? आप घटना चक्र खरीद के लाते हैं, आप यूथ कॉम्पिटिशन की किताब खरीद के लाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये किताबें कोई खराब किताबें हैं या गलत किताबें हैं, आप ये किताबें खरीदते हैं लेकिन उन पे आंख मूंद के ये विश्वास मत करिए कि जो आंसर उसमें दिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। आप अपना दिमाग लगाइए उन आंसर पे, कहीं पर भी जब आपने डीपली पढ़ा हुआ होगा तभी आप ये पता लगा सकते हैं कि ये आंसर गलत है या सही है। अब आपको मैं एक बार बताऊं, मैंने एक मुझे नाम नहीं याद कौन सा उसका पेपर था, ना मैं नाम लूंगी, कि एक प्रैक्टिस सेट पे मैंने देखा था
फियर नो मोर द नहीं ये क्वेश्चन ये था कि वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल में मिसेस डैलोवे में शेक्सपियर के कौन से कौन सी लाइंस जो है वो लगातार जो है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है. लाइन थी वो फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन और उसमें आंसर दिया हुआ था इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन. तो अब आप ये देखिए जिसने पढ़ ही नहीं रखा तो वो यही उसी को मान लेगा. तो पहली बात ये है क्वेश्चन तब सॉल्व करिए जब आपका बेस मजबूत हो. क्वेश्चंस रटने से कुछ नहीं होगा. अब आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आप जो है जो सुधीर कुमार अरोड़ा जी की किताब है उनको सुधीर कुमार अरोड़ा जी की किताब और सक्सेस इन योर हैंड यानी कि जो रंजीत सिंह जी की किताब है आप बिल्कुल क्वेश्चन इनमें से लीजिए. रंजीत सिंह जी की किताब इनमें से आप बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. देखिए इन्होंने एक ही किताब में बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स है आप इनसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. लेकिन अगर आप ये सोचे कि सिर्फ हम इन किताबों के क्वेश्चन रट के हो जाएंगे आप हो सकते हैं अगर आपका बेस बहुत मजबूत हो. आप इनके क्वेश्चन सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आपका बेस बहुत अत्यधिक मजबूत हो. नहीं तो एक बार बताइए एक राइटर के 400 क्वेश्चन आप केवल रट्टाफिकेशन के बेसिस पर कैसे याद कर लोगे. तो अनलेस आपका आपका बेस मजबूत है तो आप क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चंस करने के लिए आप इन किताबों में से कीजिए. इसके अलावा आप क्वेश्चन सेट्स जो निकाल रहे हैं क्योंकि ये किताबें स्टैंडर्ड किताबें हैं इनमें गलतियां ना के बराबर है तो इसीलिए आप क्वेश्चंस करते हैं तो इनमें से कीजिए. लेकिन रटिए मत. आप क्वेश्चन रट नहीं सकते. कई बार इनमें भी टाइपिंग एरर हो जाती है कई बार इनमें भी हो जाती है तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि हाँ भाई ये चीज सही है या नहीं है. ठीक है तो ये आप लोग उस पे करना. इसके अलावा जैसे कि अब की बार इंटरव्यू वगैरह नहीं है टीजीटी में तो ऑब्वियसली लेवल किस तरीके का आएगा वो हम सब सोच सकते हैं. इनके अलावा आप क्वेश्चन आयर जब आप बेस मजबूत कर लें तो क्वेश्चन आयर के लिए आप और वो लगा सकते हैं. लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको एक वो देते हैं कि भाई पहले क्वेश्चन क्या आए थे आपको क्या लगता है वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे. वो तो हो सकता है एक आध हो भी जाए लेकिन वो लेवल में और इस अब के लेवल में जमीन आसमान का अंतर होगा. तो आपको अपना लेवल यहां तक बढ़ाना है. ठीक है तैयारी कर रहे हैं तो ढंग से कीजिए केवल खुद को धोखा देने के लिए तैयारी मत कीजिए. अब इसमें से आप क्वेश्चंस करिए. अब चलिए बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स की. अब ये लिटरेरी टर्म्स कहां से करें. आपको अधिकतर लोगों से आपने सुना होगा कि भाई एम एच अब्राहम्स की बुक खरीद लो कटन की किताब खरीद लो. अब मैं अगर आपसे यही चीज कहूंगी ना आप वो किताब खरीद के लाओगे कटन की किताब इतनी मोटी किताब है आप दो बार पढ़ोगे उसकी इतना बारीक लिखा हुआ है कि आपको उसमें इंटरेस्ट कम आएगा और आप उठा के उस किताब को रख दोगे. एम एच अब्राहम्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स. लेकिन उनके लिए जिनको उसका नॉलेज है जो नेट या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी किताब है बहुत ही अच्छी किताब है. लेकिन जो अभी जिन्होंने तैयारी करनी शुरू करी है जो बेस को बना रहे हैं वो इसके लिए लिटरेरी टर्म्स के लिए अभी बेसिक लिटरेरी टर्म्स के लिए आप देखिए लिटरेरी टर्म्स अगर आपको बिल्कुल बेसिक से लिटरेरी टर्म्स करनी है तो मैं आपको एक साइट है लिटचार्ट्स करके आप उस पर से लिटरेरी टर्म्स ले सकते हैं. आप ऑनलाइन आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लिटरेरी टर्म्स सबसे पहले आप लिटरेरी टर्म्स जो तैयार कर रहे हैं उनमें आप फिगर्स ऑफ स्पीच तैयार कीजिए. फिगर्स ऑफ स्पीच तैयार कीजिए. फॉर्म्स ऑफ पोएट्री फॉर्म्स ऑफ ड्रामा ये आप तैयार कीजिए और जब आप इन्हें ढंग से पढ़ेंगे तब जाके आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. आप इनमें से करेंगे. देखिए वो जो किताबें हैं ना वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की किताबें हैं तो जब आप इनसे करेंगे तो आपका ये पेपर की तैयारी होगी. तो आप ये मान के चले कि मैंने एक किताब उठाई और मैं उस किताब को यानी कि ये दो किताब उठाई. ये खुद ये राइटर्स भी इतने लर्नेड राइटर्स हैं ये भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई सिर्फ हमारी किताब पढ़ लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा. वो भी आपसे ये कहेंगे कि भैया इसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी एफर्ट करो. तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ क्यों क्योंकि मैं आपको सही दिशा दिखा रही हूँ. चलना ना चलना वो आपका काम है मगर मैं बिल्कुल आपको सही दिशा दिखा रही हूँ. मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बहुत महंगी और वैसी और ऐसी किताबें आपको नहीं बता रही कि जो आप ये सोचो कि भाई आप लोग मुझ पे विश्वास करते हो. तो मैं आपको ऑब्वियसली एक ऐसी मॉडस अप्रेंटिस बता रही हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो. ठीक है
चलो, और अगर आप पिछले कुछ पुराने वीडियोस देखते हो जिनमें कहा कि मैंने ये वाला पेपर सॉल्व करा और इससे हो गया, भैया वो पेपर आते थे पहले, ठीक है, अब आप खुद देख रहे हो कि पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो कंपटीशन में आगे रहने के लिए अपनी तैयारी भी औरों से अलग करनी पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा यहाँ तक का पार्ट। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक का मैंने आपको समझा दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीजीटी। अब पीजीटी की बात करते हैं। अगर इफ यू टॉक अबाउट पीजीटी, तो पीजीटी में 17 राइटर्स और है, यूपी पीजीटी में 17 राइटर्स और है। तो ये जो 17 राइटर्स है, आप खुद देखिए कि ये हर सेंचुरी को, हर एज को बिलोंग करते, सेंचुरी कह रही हूँ, हर एज को बिलोंग करते हुए हैं। जैसे विक्टोरियन एज के राइटर्स इसमें काफी सारे हैं, अब इंडियन राइटर्स हैं। अब हम बात करें अगर इंडियन राइटर्स की, तो पिछली बार निसेव स्केल में से ही 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इसका ये है कि अगर आप इसे सतही तौर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सतही तौर पर पढ़ रहे हैं, तो ये पेपर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। सतही तौर पर नहीं, अगर आप कोई भी, लेट्स टेक निसेव स्केल, आपने निसेव स्केल के 3 पेज पढ़ लिए जो आपको किसी भी किताब में उठा के दे रखे, और आपने सोचा कि हम निसेव स्केल हमने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, तो ऐसा नहीं होता। पिछली बार क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से कौन सा जो जर्नल है वो उन्होंने एडिट नहीं करा, तो इट मीन्स यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी राइटर। अब एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें ना एक हुक होती है कि इसमें ईच एंड एवरी राइटर को आपको प्रिपेयर करना है ना, ये उसकी तरह वाइड इतना नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर आप राइटर को ही ढंग से प्रिपेयर कर लो, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपकी हिस्ट्री ऑलरेडी तैयार हो रही है। अब आपको इसमें हिस्ट्री में थोड़ा सा जो है, इसमें आपको इतना इंडियन हिस्ट्री, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप एक एक राइटर को भी कायदे से आप राइट तैयार कर लो, तो आपका इसमें काम हो जाएगा। इवन आप अगर पीजीटी की तैयारी ढंग से करते हो, तो आप DSSSB और NVS KVS के एग्जाम भी अच्छे से दे सकते हो KVS में। अब आपको जैसे मान लो, मैं एक फॉर एग्जाम्पल है निसेव स्केल, अब आपने केवल इसकी जो है वो बायोग्राफी पढ़ ली, तो ऐसे नहीं होता। इसकी, इनके जितने वर्क्स हैं, उन वर्क्स को हमें जो होता है वो छांटना होता है, और उनमें से हम कम से कम वर्क्स के लाइंस को पढ़ते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन उनका, इसमें क्या पूछा गया है। अनलेस आपको वर्क्स के बारे में नहीं पता, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। जैसे अगर ये क्वेश्चन है अ पोएट क्लाउन हैज गॉन, तो ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ये क्वेश्चन किस, कौन सी पोएम में से लिया गया है, तो भाई ये बैकग्राउंड कैजुअली में से है। अगर ये पूछा कि भाई पॉवर्टी फिलोसफी ये लाइन कौन सी उसमें आई है, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो उनके अवेलेबल मटेरियल है उसमें से हमें छांट कर ये क्वेश्चंस जो है वो देखने होते हैं। केवल आप 3 पेज की बायोग्राफी पढ़कर इन राइटर्स को तैयार नहीं करते, इनके वर्क्स को, यानी कि आपको जो कोई भी राइटर है तो उसके, उनकी अगर आप कर रहे हैं तो बुक्स उन्होंने कौन सी एडिट करी ये आपको देखना है, कितने उन्हें प्राइजेस मिले ये देखना है, वर्क्स उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं विद एक्सप्लेनेशन, ये सब आप, अगर आप जो है वो, मैं अमेरिकन और इंडियन को तो नहीं कह रही, लेकिन अगर इंग्लिश राइटर्स में आप हिस्ट्री पढ़ लेते हो, तो ये चीज तो आपकी यूं ही तैयार हो जाती है, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसीलिए मैं बार बार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे इतना जोर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप खुद एक मुझे बताइए कि जब आपको एक प्रेस्टीजियस जॉब चाहिए, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप 3-4 सस्ती सी किताबें पढ़कर या 2-3 आप मॉडल पेपर निकाल कर जो है तैयारी कर लेंगे। तो ये मेरा मॉडस ऑपरेंडी है, और मैं पहले ही कह रही थी कि हो सकता है इससे बहुत से लोग इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मेरे से, मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है, उस पे चलना या ना चलना वो आपके ऊपर है, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और एक ही चीज़ देखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको तैयारी करनी है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, पीजीटी की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको 1 साल या 2 साल देने की जरूरत है। आप कायदे से तैयारी करते हैं तो आप किसी भी पेपर को 3 से 4 महीने की तैयारी में निकाल सकते हैं। अगर पीजीटी के लिए 1 साल देना होता ना तो मार्क माई वर्ड्स, तो फिर नेट के लिए तो 5 साल देने होते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी पेपर को एक बिल्कुल फोकस्ड माइंड, सही तैयारी, सही किताबों के साथ 3 से 4 महीने में आराम से तैयार कर सकते हैं। और लोग तो नेट निकाल लेते हैं 1 महीने में, उनका फोकस होता है, तो आपको वही चीज रखनी है, यू शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल, तो आप बिल्कुल चीजों को कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो आपका के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि हेल्पफुल हो तो यू कैन लाइक इट, एंड चलिए मिलते हैं कल।